हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और आपका करियर कोच। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जब अपने स्कूल और कॉलेज के बाद अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोकस चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनने पर रहता है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने आसपास इसी तरह के प्रोफेशनल्स को देखते हैं और इस तरह के प्रोफेशन की स्टडी करने के लिए हम लोग अमूमन 3 से 5 वर्ष का समय लगाते हैं। 3 से 5 वर्ष की इस ट्रेनिंग में हम बहुत अधिक कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं और अपने करियर को सफल बनाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसे टॉप क्लास प्रोफेशनल्स के रूप में उनको लगता है कि इसके लिए उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि टॉप क्लास ऑफिसर बनने से रिलेटेड उनके मन में बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं। दोस्तों, भारत सरकार में ये बहुत हाई प्रोफाइल रैंक्स होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इन एग्जाम्स को पास करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होना जरूरी है। इसीलिए नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट इस कोर्स के बारे में सोचते ही नहीं है। फ्रेंड्स, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को बनाने से पहले मैं बहुत सारे आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएएस ऑफिसर से मिला और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। उन ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि हम में से बहुत सारे लोग अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, हम एक एवरेज स्टूडेंट थे और ना ही हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये देश के सर्वोच्च पद होने की वजह से लोगों के मन में इन पदों को लेकर बहुत अधिक गलत अवधारणाएं हैं। जैसे बड़ा ऑफिसर बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टडी की जरूरत होती है, एग्जामिनेशन में आपका परसेंटेज बहुत हाई होना चाहिए और यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है। उन्होंने एक ऐसे रहस्य का खुलासा किया जिसको जान के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रोफेशनल कोर्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एमबीबीएस बनने के लिए आपने जितनी एजुकेशन की है, आपको उससे ज्यादा हायर एजुकेशन लेनी होती है, जिसके लिए 3 से 5 वर्ष का समय लगता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जितनी एजुकेशन आपने ली है उसके स्तर को और आगे बढ़ाया जाता है, जबकि आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जितनी एजुकेशन आपने 10th, 12th और ग्रेजुएशन में प्राप्त की है, केवल उसी की नॉलेज के आधार पर आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होती है। कुछ ऑफिसर्स ने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, एमबीबीएस, इंजीनियर बनने में जितनी मेहनत लगती है उससे कम मेहनत यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करने में लगती है। और कुछ ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि अगर आप हाई रैंक जॉब चाहते हैं तो आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन में जितनी एजुकेशन आपने प्राप्त की है, केवल उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने की जरूरत है और उसी सिलेबस में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑफिसर से बात करने के बाद मैंने इस पूरे वीडियो के कंटेंट को डिजाइन किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी साइट्स को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद हमने इस वीडियो को बनाया। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस। भारत में क्लास 1 ऑफिसर आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पास करना होता है, जिसे हम यूपीएससी एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। यूपीएससी एग्जाम को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कहते हैं और यूपीएससी हर साल इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, जिसमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, लेकिन कुछ चंद स्टूडेंट ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। इसलिए अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क पर फोकस करना होगा। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और सामान्य श्रेणी के युवकों और युवतियों के लिए उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष होती है, जबकि एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए 5 वर्ष का अतिरिक्त समय मिलता है, मतलब उनकी आयु सीमा 30 की अपेक्षा 35 वर्ष होती है। अर्थात एससी, एसटी और ओबीसी का कोई भी विद्यार्थी जिसकी आयु 35 वर्ष तक है इस एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। आपके शारीरिक मापदंड में पुरुष उम्मीदवार की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एससी एसटी पुरुष उम्मीदवार की हाइट 160 सेंटीमीटर और एससी एसटी ओबीसी महिला उम्मीदवार की हाइट 145 सेंटीमीटर
होनी अनिवार्य है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए चेस्ट का माप 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए 79 अर्थात 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ आई साइट 6x6 और 6x9 होनी चाहिए। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप अलग अलग डिपार्टमेंट की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IRS इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, और इन सभी प्रशासनिक सर्विसेज के लिए यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना अनिवार्य होता है। ये एग्जाम दो चरणों में होता है, नंबर 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम और नंबर 2 मेन एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 200-200 नंबर के दो अलग अलग एग्जाम होते हैं और प्रत्येक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। पहले पेपर में 200 अंकों के सवाल इन विषयों पर होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, करंट अफेयर्स और भारत राष्ट्रीय आंदोलन, भारत व राष्ट्र का भूगोल, संविधान व पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, आर्थिक और सामाजिक विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जनसंख्या, गरीबी व इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस जैसे विषयों पर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जबकि पेपर 2 में डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, बेसिक न्यूमेरेसी, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल एंड अर्थमेटिक एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटरपर्सनल स्किल से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जो 200 अंकों का होता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। मेन एग्जाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होते हैं। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं और बाकी 7 अनमेरिट के लिए होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, जिनकी जानकारी इस पूरे प्रोग्राम के लास्ट में एक वेबसाइट के लिंक के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा। मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद क्वालिफाइंग उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और यह इंटरव्यू 45 मिनट का होता है, जो यूपीएससी का एक पैनल लेता है। इंटरव्यू के बाद ही मेरिट लिस्ट तैयार होती है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नंबर को काउंट नहीं किया जाता है और यह लिस्ट केवल इंटरव्यू के माध्यम पर बनती है। मेरिट लिस्ट में चयनित भावी पुलिस अधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, स्पेशल लॉ, भारत दंड संहिता और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। भावी पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए पहले मंसूरी और फिर हैदराबाद 1 वर्ष के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in के नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में ली गई है और साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे IAS, IPS, IRS, IFS और IAS ऑफिसर्स की मदद ली गई है। इसके अलावा यदि आप किसी विशेष कोर्स की जानकारी मुझसे चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके साथ साथ यह वीडियो किसी के करियर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशन में और अपने फैमिली सर्कल में जरूर शेयर करें। और यदि करियर से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। मेटास लाइफस्टाइल, इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड क्लास हाइजेनिक स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वैनिटी, वार्डरोब्स एंड स्टील इंटीरियर्स,